उसको पीस करके समुद्र में बहा दिया। एक दूसरे पर वो मारने लगे और यदुवंशी सारे 99,00,000 भगवान के जो परिवार के लोग, 1 करोड़ से अधिक यदुवंशी समाप्त हो जाते और भगवान कृष्ण बलराम जी को आज्ञा देते कि अब आप भी चलो। तब वो शेषा अवतार है शेषनाग, वो भी समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्षीर सागर में प्रवेश कर जाते हैं। तब भगवान कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रवास क्षेत्र में टाइनी जंगा के ऊपर अपनी बाई जंगा रख लेते हैं और बैठ जाते हैं। आनंद उनके तलवे चमक रहे थे। जरा नाम का बहेलिया था, उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े बाण में लगाए और दूर से भगवान के लाल लाल चरण चमक रहे थे। उसे लगा कि ये हिरण के मुख है और उसी समय उसने उस पर बाण मारा। जैसे उनको बाण लगा, मौन परम धाम जाने का समय आ चुका है। तब व्यास को लगा कि मैंने किसको ये बाण मार दिया, तोड़ करके आया कि मेरे अपराधों को आप क्षमा कर दें। भगवान ने कहा, नहीं व्यास, तुमने मेरे मन की कर दी, आज हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर है। जब मैं राम बन करके आया था तब मैंने तुमको छुपके मारा था और आज आपने मुझे छुप करके मारा है, अब हिसाब हमारा मेरी बेन का खत्म। कर्म प्रधान विश्व जो जस तरही सो तस फल चाहा।